तो खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। ज़िला सियालकोट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2021-22 के तहत हेल्थ एजुकेशन और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर समेत 13 मुख्तलिफ शोबाजात में 101 तरक्याती मनसूबों पर तेज़ी से काम जारी है। इन मनसूबों की तकमील पर मजमूई तौर पर 28,71,80,00,000 रुपये लागत आएगी। इसके अलावा सियालकोट शहर में हुकूमत पंजाब के खसूसी अर्बन डेवलपमेंट पैकेज के तहत 17 अरब रुपये से पीने के साफ पानी, सेवरेज के निज़ाम की असर नो तामीर, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अर्बन ट्रांसपोर्ट, हॉर्टिकल्चर और पार्क के अपग्रेडेशन के मेगा प्रोजेक्ट्स पर भी काम जारी है। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ताहिर फारूक ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी सियालकोट के इजलास से खिताब करते हुए बताई। इजलास में सेक्रेटरी DDC अब्दुर्रऊफ, AD डेवलपमेंट मोहसिन अली रियाज, एक्सियन बिल्डिंग जहीरुद्दीन बाबर, एक्सियन हाईवे नुमान अशरफ के अलावा मुतल्लिका महकमों के मकामी हुकाम ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक ने कहा है कि पसरूर के सेक्शन इगन्ना से बुडियाना के लिए टेंडर का इजरा हो चुका है। इस सेक्शन की तकमील पर 65 करोड़ रुपये खर्च होंगे। शहाबपुरा फ्लाईओवर के मनसूबा मुकम्मल करने के लिए 23 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने 28 स्कूलों की 4 दीवारी, टॉयलेट्स और फर्नीचर की फ्राहमी के लिए 1 करोड़ रुपये की स्कीम की भी मंजूरी दी। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक ने कहा है तरक्याती मनसूबे के मियार और रफ्तार पर समझौता नहीं किया जाएगा और तमाम तरक्याती मनसूबों को मुफादयामा पर जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने ज़िला सियालकोट में जारी तरक्याती मनसूबों पर फिजिकल वर्क और फाइनेंशियल स्टेटस का भी तफसीली जायजा लिया और ज़मन में मुतलका हुकाम को हदायत जारी की। रिपोर्ट मोहम्मद शहबाज बाजवा, ब्यूरो चीफ, हमारा न्यूज़ सियालकोट। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों और प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हमारा न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।